हेलो एवरीवन, आप लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। अगर जो आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास जाए। दोस्तों, ये टाटा BS6 की गाड़ी है और ड्राइवर का कहना है कि ये हमारी गाड़ी खींच नहीं रही है और बहुत सारा सिग्नल आ रहा है। तो चलिए एक बार हम इग्निशन को ऑन करके देख लेते कि इसमें कौन कौन सा सिग्नल आ रहा है। तो देखिए, मैंने इग्निशन को ऑन कर दिया हूँ। डेफ डोजिंग स्टॉपेज का सिग्नल दे रहा है और डेफ सिस्टम इलेक्ट्रिक फॉल्ट का भी आ रहा है और डेफ SER सिस्टम फॉल्ट का भी आ रहा है। और देखिए, डेफ लेवल बिल्कुल इम्पटी दिखा रहा है, आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल डेफ शो नहीं कर रहा इसमें। और चेक माइल का भी सिग्नल जल रहा है। तो चलिए एक बार हम फॉल्ट कोड चेक कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा फॉल्ट कोड एक्टिव है। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें 3216 है, 5842 है, 5840 है, 3031 है, 1761 है, 5742 है, 5743 है, 3364 है, 3226 है, 3216 है, यानी बहुत सारा फॉल्ट कोड इसमें एक्टिव है प्रेजेंट टाइम में। तो चलिए, सबसे पहले जो हमारा डेफ टैंक है, जिसे हम डेफ लेवल क्वालिटी सेंसर बोलते हैं, जो हमारा हेडर है, उसमें सप्लाई चेक करते हैं कि उसमें सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए एक बार सप्लाई इसमें चेक कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारा फॉल्ट कोड एक्टिव है और कहीं ना कहीं इसमें सप्लाई का इश्यू हो सकता है। तो देखिए, मैं दो पॉइंटों में मल्टीमीटर को लगा रखा है, एक ग्राउंड है और एक हमारा जिसमें 24 वोल्ट सप्लाई आता है उस पॉइंट पर लगा कर रखा है मैंने, जो रेड कलर का वायर होता है और एक ब्राउन कलर का वायर होता है। तो उन्हीं दोनों वायर पर लगा कर रखा है और बिल्कुल सप्लाई शो नहीं हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए एक बार जो हमारा कैन वायर है उसमें देख लेते हैं। तो देखिए, कैन वायर में सप्लाई आ रहा है, 2 पॉइंट दिखा रहा है, 2.8 दिखा रहा है, और दूसरे वाले पॉइंट में दिखा रहे हैं तो देख लीजिए 1.92 दिखा रहा है। तो हमारा कैन वायर का वायरिंग सही है, लेकिन जो हमारा मेन सप्लाई है जिसमें 24 वोल्ट सप्लाई आना चाहिए, उसमें सप्लाई नहीं आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि 4 पिन का कनेक्टर होता है जिसमें 2 कैन वायर होते हैं और एक मेन सप्लाई होता है, एक ग्राउंड होता है। तो कैन वायर में 2.8 समथिंग आता है, ना दोनों मिलाकर 5 वोल्ट सप्लाई होना चाहिए। एक हाई कैन डाटा का होता है, एक लो कैन डाटा का वायर होता है, एक येलो कलर का होता है और एक ग्रीन कलर का होता है। जो येलो कलर का होता है वो हाई कैन डाटा का होता है और जो ग्रीन कलर का होता है वो लो कैन डाटा का है। तो चलिए एक बार हम फ्यूज चेक कर लेते हैं कि हमारा कोई फ्यूज डिस्कनेक्ट तो नहीं है। तो सबसे पहले हमारा जो डेफ सेंसर का फ्यूज है उसको चेक करेंगे कि हमारा डेफ सेंसर का जो फ्यूज है सही है कि नहीं है। तो चलिए हम देख लेते हैं। देखिए, हमारा डेफ सेंसर का फ्यूज है, तीसरे लाइन में सबसे नीचे वाला फ्यूज है डेफ सेंसर का, उसको निकालेंगे और देखेंगे कि जो हमारा फ्यूज है वो सही है कि नहीं है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं फ्यूज को और फिर चेक करते हैं। तो देखिए, हमारा फ्यूज ओके, आप लोग देख सकते हैं, क्लियर दिखाई दे रहा है वीडियो में। तो फ्यूज डिस्कनेक्ट नहीं है, ये वाला फ्यूज सही है। तो चलिए एक बार जो डेफ सेंसर का रिले है उसको चेक कर लेते हैं कि वो रिले हमारा सही है कि नहीं, उसमें सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्योंकि ये 4 पॉइंट का रिले होता है जिसमें एक डायरेक्ट सप्लाई होता है, एक ऑन पोजीशन होता है, एक ग्राउंड होता है, एक और आउटपुट होता है। तो देखिए, ये वाला डेफ रिले है। तो चलिए एक बार हम रिले को निकाल लेते हैं और निकाल के फिर उसमें सप्लाई चेक करते हैं टेस्ट एलम की सहायता से कि उसमें सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 30 नंबर वायर में सप्लाई आता है और 86 नंबर वाला जो पॉइंट है उसमें भी सप्लाई आता है और एक 85 वाला ग्राउंड का होता है, 87 वाला आउटपुट होता है। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। पहले 30 नंबर वाले पॉइंट में लगाएंगे और फिर 86 नंबर जो हमारा 86 नंबर पॉइंट है उसमें लगा के देखेंगे। तो देखिए, 30 नंबर वाले पॉइंट जो हमारा 30 नंबर उसमें जल रहा है और 86 नंबर में नहीं जल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो एक बार हम जो रिले का ग्राउंड है उसमें और 86 में लगा के देखेंगे। तो देखिए, हमारा 30 नंबर में जल रहा है लेकिन 86 में नहीं जल रहा है। तो मैंने रिले का जो अर्थिंग है उसमें लगा के 30 नंबर में दिया था तो जल रहा था, लेकिन 86 नंबर वाले पॉइंट में नहीं जल रहा है। तो जो हमारा 86 नंबर पॉइंट है तो उसमें सप्लाई नहीं आ रहा है। चलिए अदर फ्यूज चेक कर लेते हैं। तो देखिए, हमारा सोलनॉइड और रिले कॉइल का फ्यूज है, एक तरफ सप्लाई इन हो रहा है लेकिन दूसरी तरफ से आउट नहीं हो रहा है। तो चलिए एक बार हम इसे निकाल के देख लेते हैं कि फ्यूज तो नहीं डिस्कनेक्ट है। तो आप लोग देख सकते हैं, ये फ्यूज बीच से डिस्कनेक्ट हो गया है, यानी फ्यूज जल गया, आप लोग देख सकते हैं, क्लियर दिखाई दे रहा है। तो चलिए एक बार हम इसमें फ्यूज डालते हैं। तो हमारा जो फ्यूज बॉक्स है उसमें स्पेयर फ्यूज रहते हैं और जो फ्यूज उड़ा है ये सोलनॉइड एंड रिले कॉइल का फ्यूज है और इसके फ्यूज डिस्कनेक्ट होने की वजह से जो हमारा डेफ रिले है
उसके 86 नंबर पॉइंट में सप्लाई नहीं जा रहा है, जिसके चलते वो रिले वर्क नहीं कर रहा है। और जो हमारा डेप्थ टैंक का हेडर है, जिसे हम डेप्थ क्वालिटी लेवल एंड टेम्परेचर सेंसर बोलते हैं, वहाँ पे सप्लाई नहीं पहुँच रहा है 24 वोल्ट। तो देखिए मैंने फ्यूज को लगा दिया है, और चलिए एक बार सप्लाई फिर चेक करके दिखा देते हैं आप लोगों को। तो देखिए 30 नंबर में जल रहा है और 86 नंबर में जलने लगा। तो 30 नंबर में भी तो जलता ही था, लेकिन 86 नंबर में नहीं जल रहा था। आप लोग देख सकते हैं कि 30 नंबर भी जल रहा है और 86 नंबर में भी जल रहा है। तो चलिए एक बार रिले के ग्राउंड से भी चेक कर लेते हैं 86 नंबर में। देखे तो देखिए 86 में भी जल रहा है और 30 नंबर में भी जल रहा है। तो अभी हमारा सप्लाई आना चालू हो गया। तो चलिए एक बार हम रिले को लगा देते हैं, और रिले को लगाने के बाद से फिर मैं आप लोग को लेकर चलता हूँ जहाँ पे हमारा डेफ टैंक है, और उसमें सप्लाई चेक करते हैं कि उसमें सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले सप्लाई नहीं आ रहा था फ्यूज डिस्कनेक्ट होने की वजह से, तो प्रेजेंट टाइम में सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए चेक कर लेते हैं और देख लेते हैं। तो चलिए एक बार हम मल्टीमीटर फिर लगाएंगे और वोल्टेज चेक करेंगे। तो देखिए मैंने ग्राउंड और मेन में लगा कर रखा है, 25.34 वोल्टेज सप्लाई शो हो रहा है, यानी जो हमारी प्रॉब्लम थी वो ठीक हो चुकी है, यहाँ सप्लाई आना चालू हो गया है। और चलिए एक बार कैन वायर में भी चेक कर लेते हैं। देखिए इसमें भी सप्लाई तो पहले आ ही रहा था, प्रेजेंट टाइम में भी आ रहा है। तो जो हमारा मेन प्रॉब्लम था वो मेन सप्लाई का था, सप्लाई नहीं आ रहा था। 24 वोल्ट प्लस आना चाहिए जितना बैटरी हमारा चार्ज होता है, तो उतना सप्लाई नहीं आ रहा था, बिल्कुल सप्लाई शो नहीं हो रहा था इसमें। तो चलिए कनेक्टर को लगा देते हैं और फिर आप लोगों को डिस्प्ले के पास लेके चलते हैं और देखते हैं कि फॉल्ट क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो चलिए मैं डिस्प्ले के पास चलता हूँ, जो हमारा क्लस्टर मीटर है, और देखते हैं कि जो भी फॉल्ट कोड पहले शो हो रहे थे, जो सिग्नल आ रहा था, वो हटा है कि नहीं हटा है। तो देखिए मैंने इग्निशन को ऑन कर दिया है और फिर चेक करते हैं। तो देखिए जो भी चेक मेल का सिग्नल था वो हट चुका है, और पहले डेफ लेवल इम्पिटी दिखा रहा था, अभी 2 पॉइंट लेवल शो हो रहा है डेफ लेवल। और जो भी डेफ डोजिंग स्टॉपेज का सिग्नल दे रहा था, वो सारे सिग्नल हट चुके हैं। तो कभी भी आप लोग के पास ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो, तो इस तरह से आप लोग इसे ठीक कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि हमारा प्रॉब्लम ठीक होने के बावजूद भी जो हमारा सिग्नल दिखाई देता है हमारे क्लस्टर मीटर में, वो हटता नहीं है। तो अगर आप लोगों के पास मिनी इनलाइन हो, तो आप लोग फॉल्ट क्लियर करके तुरंत हटा सकते हैं। अगर जो नहीं हटता है, तो फिर आप गाड़ी को कुछ टाइम चलने के लिए भेज दीजिए। जैसे ही गाड़ी गर्म होगी, तो जो भी आपका फॉल्ट कोड स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, वो सब हट जाएगा। अगर जो आप सेटिस्फाइड हो जाएं कि जो भी हमारा प्रॉब्लम था वो ठीक हो चुका है, जैसे कि पहले सप्लाई नहीं आ रहा था क्वालिटी लेवल टेम्परेचर सेंसर में, और फ्यूज मैंने लगा दिया उसके बाद से सप्लाई आने लगा, तो ठीक उस प्रकार आप लोग का सप्लाई आने लगे और डेफ लेवल शो होने लगे, फिर भी आप लोग का डिस्प्ले से फॉल्ट कोड क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप लोग चलने के लिए भेज दीजिए। जैसे ही गाड़ी गर्म होगा, आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोग हमारा वीडियो कैसा लगा।